नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। विद्यालय के सामने बकरे का मांस काटना और बेचना छात्राओं के लिए बना सरदर्द। बेतिया बिहार ब्यूरो रिपोर्ट। खून और गंदगी देख दिन भर बेचैन रहती हैं छात्राएं। वर्ग में पढ़ना और पढ़ाना वर्षों से मुश्किल है। खामोश प्रशासन और बेखौफ मांस विक्रेता उड़ा रहे सरकारी नियमों की धज्जियां। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय में वार्ड नंबर 16 में स्थित राजकीय कृत कन्या मध्य विद्यालय के सामने वर्षों से मांस विक्रेता बकरा काटते और बेचते आ रहे हैं, जिसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन सहित अन्य दुकानदारों ने नगर परिषद को कई बार दी, लेकिन अब तक सारे प्रयास हैं बेअसर। जहां सरकार एक तरफ दावा करती है कि छात्र छात्राओं के स्कूल के 200 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर रोक है और इसके लिए सख्त कानून है, वहीं नरकटियागंज कन्या मध्य विद्यालय के सामने खुलेआम मांस की बिक्री ऐसे नियमों को मुंह चिढ़ा रही है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले हजारों छात्राओं का पढ़ना मुश्किल कर रखा है इन मांस विक्रेताओं ने। छात्राएं सुबह सुबह विद्यालय आती हैं और इसी वक्त काटते हुए बकरे को देख सहम जाती हैं। खून देखकर कितनी छात्राएं असहज हो जाती हैं, जिन्हें काफी मेहनत के बाद पढ़ने के लिए राजी किया जाता है। स्कूल शहर के बीचों बीच होने से अध्यापक और अध्यापिकाएं कुछ नहीं कर पाते। आसपास के दुकानदार कितनी बार उन बकरा काटने वालों को समझा चुके हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई असर नहीं पड़ा। शिक्षा के मंदिर के ठीक सामने सड़क मात्र का फासला है मांस की दो चार दुकानों का और इन लोगों ने छात्राओं का स्कूल आना हराम कर रखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन मांस विक्रेताओं को किसका संरक्षण प्राप्त है जो ये बेखौफ सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब नगर में मछली बाजार और मांस बाजार अलग है तो ये वहां अपना व्यवसाय क्यों नहीं करते? ऐसी परिस्थिति में एसडीओ और नगर कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी अब तक क्यों है खामोश? छात्राओं के सामने बकरा हलाल करना, खून खून का दृश्य दिखाना, सड़ांध वाली बदबू से उनको स्कूल नहीं आने को विवश करना क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सफल होने देगा? ये चंपारण है सब चलता है कहकर अपनी दुकान चलाने वाले ये मांस विक्रेता आखिर है कौन जिनके लिए कोई कायदा कानून मायने नहीं रखता? ऐसे सवाल जीना मुश्किल कर दिए हैं उन छात्राओं का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाडली है बिहार की। बने रहिए टुडे समाचार 24 के साथ, हम दिखाएंगे आपको ऐसी कई राज। इन लोगों का आवंटन पोखरा चौक मछली हट्टा के पास हो चुका है। अब ये लोग किस ऑथराइज से बेचते हैं, प्रशासन की मिली भगत है या इन लोग की अपनी मनमानी है, किस हैसियत से ये लोग बेचते हैं ये तो यही लोग बता पाएंगे, है ना? प्रशासन के लोग बताएंगे। सामने शिव मंदिर है, सामने स्कूल है, प्रशासन जो है मुख्य बना हुआ है, देख रहा है। स्कूल सामने है, यहाँ पे बगल में मेरी दुकान है। इतना ज़्यादा बदबू आता है, लोग कचरा निकालता है, लोग बकरी यहीं पे बनाता है लोग, है ना? जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकता है, बीमारी हो जाए हमको। हमको अपने बदबू से परेशानियाँ होती है, कई प्रकार की बीमारी होती है। यहाँ सामने स्कूल है मेरे सामने। रंजन कुमार, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहाँ पर स्कूल है नज़दीक में, यहाँ पर मंदिर है नज़दीक में, और यहाँ पर चीक ओपन मीट काट करके बेचते हैं लोग, और यहाँ इस गंदगी से अनेकों प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है और कोई कुछ। बगल में स्कूल है कन्या मध्य विद्यालय, ठीक है, स्कूल के सामने है, ठीक सामने है। उसके अलावे आप चले जाइए तो आपको 50 मीटर की दूरी पर मंदिर है, और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को तो इस गंदगी से इतना परेशानी है कि लोग आज से नहीं बहुत दिनों से इसका विरोध कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश ये माने ये काम नहीं हो पाया। अभी आपको कुछ बदबू दे रही है? अभी तो बदबू ही है, अभी तो जब भी माने समझिए कि गर्मी का टाइम आएगा तो माने जब भी माने महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, लोग रुमाल अपने नाक पर बांध के इस रोड से गुजरने पर लोग। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।